तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के जितने भी बटन्स होते हैं, चाहे वॉल्यूम अप, चाहे वॉल्यूम डाउन, चाहे पावर बटन हो, चाहे इस तरह से बैक होम, चाहे मल्टीटास्किंग वाली बटन हो, इसमें सारे सेटिंग को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये सब जानना है आपको, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहें। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। चैनल पहली बार आने के वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपने मोबाइल पे आपको जाना है सेटिंग्स पे। हम इस तरह से मोबाइल सेटिंग पे चले जाएंगे। अब उसके बाद आपको सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरह से सर्च बार का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है गेस्चर शॉर्टकट। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ गेस्चर शॉर्टकट। यहाँ पर देख सकते हैं आ गया। तो इस तरह से हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे में ब्लू कलर में देख सकते हैं, यहाँ पे बटन शॉर्टकट शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर फिर बटन शॉर्टकट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन, तो यहाँ पर उसमें क्या सेट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर सो मेन्यू है। तो इस पे जैसे है इस तरह से मैं इसको प्रेस कर रहूँगा लॉन्ग प्रेस, तो मेरा मेन्यू बार है जो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पावर बटन और होम बटन है। मान लीजिए मेरा पावर बटन है और ये है होम बटन, इसको साथ में एक साथ प्रेस करने पे क्या ओपन होना चाहिए आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी नन पे सेट है, आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, पावर प्लस मेन्यू बटन है, पावर प्लस बैक बटन है और यहाँ पे डायरेक्ट मेन्यू है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम बैक। अब यहाँ पे हम बैक जाने के बाद इस तरह से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट लिखा है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन बंद है। तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन, तो यहाँ पर मैं जैसे इस पावर बटन को 0.5 सेकेंड तक प्रेस करके रखूँगा इसको ऑन करने के बाद, तो मेरे मोबाइल में गूगल असिस्टेंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑफ है, आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बैक चले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बैक जाने के बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन है टेक अ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड थ्री फिंगर्स डाउन। तो यहाँ इस तरह से मैं थ्री फिंगर को डाउन करूँगा तो ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जो भी करना चाहते कर सकते हैं। और यहाँ पर है वॉल्यूम डाउन प्लस पावर, तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को मैं प्रेस करूँगा एक साथ तो भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। उसके बाद मैं बैक जाऊँगा, यहाँ पे लॉन्च कैमरा है और डबल प्रेस द पावर बटन लिखा है। यहाँ पे जैसे मैं पावर बटन को डबल दो बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं डबल प्रेस द वॉल्यूम डाउन देन स्क्रीन इज लॉक्ड, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम डाउन बटन को दो बार प्रेस करूँगा तो ये ओपन है मेरा मोबाइल, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन ऑफ है, आप चाहते हैं तो ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं बैक जाऊँगा और यहाँ पे टॉर्च वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप चाहते हैं टॉर्च वाला ऑप्शन देख सकते हैं, डबल प्रेस द पावर बटन। यहाँ जैसे मैं इसको ऑन कर दूँगा जैसे कि ऑफ है, और इस पावर बटन को दो बार मैं जैसे प्रेस करूँगा टॉर्च ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रेस करके दिखाता हूँ दो बार, देख सकते हैं यहाँ पर टॉर्च ओपन हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप इनमें चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बटन शॉर्टकट में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं, उस तरह से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।